नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए इन दिनों कई स्थानों पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में MY के सामने शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में COVID-19 की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को इस केंद्र पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। चाहे भारतीय दंत परिषद नई दिल्ली के नामांकित अध्यक्ष डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, डॉक्टर संजय दीक्षित, डॉक्टर देशराज जैन, डॉक्टर तरुण प्रथोड़, डॉक्टर विलास निवासकर, डॉक्टर अमित रावत सहित कई लोग इस दौरान दंत महाविद्यालय में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ पर मौजूद रहे, जहां कई अतिथियों ने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। दंत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन ने इस दौरान कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। इस तारतम्य में दंत महाविद्यालय में गुरुवार को वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रोग्राम में जल्दी आते हैं तो तुम्हें इस ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहा है।